शारजाह स्टेडियम के दरवाजे बंद करने चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड के टीम यहाँ से भागना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। एक बार इस्लामाबाद से भागते हैं। वो जी इंडिया को शिकस्त दिया है, तो अब कोशिश है हमारी और दुआ भी है कि न्यूजीलैंड को भी दे। तो इस वक्त मौजूद है शारजाह क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल बाहर और इरादे मजबूत है, दुआएं भी साथ में है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा खाता बाकी था इस्लामाबाद में वो कंप्लीट कर ले। तो आई मेरे साथ। स्टार्ट जो इंडिया के खिलाफ मिला था बेहतरीन स्टार्ट था। न्यूजीलैंड काफ़ी स्ट्रांग लग रही है लेकिन हौसले हमारे बुलंद। हारिस रऊफ की पहली विकेट। और विकेट थी ओपनर की और माहौल स्टेडियम का खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह बहुत खामोशी थी। टायर फिर से जाके स्टेडियम फुल है पाकिस्तानी। जो खतरा था वो मेरे ख्याल में अब खत्म हो चुका है। वो लेमसिम का विकेट हमें मिला के क्या कहते हो? बिल्कुल इसी के इंतज़ार में थे और अब फिर से खुशी आ गई है। शोर सुनाई दे रहा होगा व्यूवर्स को और इंशाल्लाह मैच में इन हो चुके हैं दोबारा से। कबीर भाई का खजन भी बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो आप? इंशाल्लाह इस विकेट के साथ मुझे काफ़ी उम्मीद अब पैदा हो रही है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। ग्रिप में आ रहा है मैच। हारिस रऊफ माशाल्लाह आज उसका जो स्पेल है वो कमाल का है। हारिस रऊफ को लोग वैसे टारगेट करते हैं लेकिन बंदा ये कमाल का है। इस मैच में परफॉर्मेंस हारिस रऊफ भाई किस तरह लगी? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैच को वापस लाना, मैच को रोकना, स्कोर की स्पीड को रोकना। क्रेडिट गोज टू हारिस रऊफ। और हैट्रिक होने वाला है अभी और हारून भाई ने कहा शायद हैट्रिक भी हो जाए। रियली मैच के हैट्रिक हो इंशाल्लाह। हमने पूछा और फिर विकेट मिली। 134 रन न्यूजीलैंड का इनिंग्स खत्म हुआ। हारिस रूफ की बेहतरीन बॉलिंग माशाल्लाह और एक इनिंग्स खत्म। कबीर भाई क्या लगता है चेस कर पड़े? पाकिस्तान ने बॉलिंग काफी बेहतर की, अच्छी बॉलिंग की। अब बारी है रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन होंगे, क्योंकि जिधर बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने करके दिखाया। अच्छा जॉब किया बॉलरों ने। तो रिजवान और फखर, बाबर, हफीज, शुएब, मलक बैटिंग लाइन हमारी काफी तगड़ी है। आई रियली विश इंशाल्लाह इजीली चेस कर पाएंगे। 10 विकेटों वाला मैच नहीं होगा, अल्लाह करे यार 10 विकेट फिर जीत जाए। कबीर भाई आपके मुँह में गुड़ शक्कर। स्टेडियम में एक ही आवाज है, प्राडी प्राडी प्राडी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को तंग किया जा रहा है प्राडी के नाम पर। पावर प्ले छपो पावर प्ले के अख्ताम पर पाकिस्तान में है 30 रन। यार जब से पावर प्ले के अख्ताम में पाकिस्तान के है 30 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। बाबर अभी अभी गए, फखर भाई आए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। स्टार्ट थोड़ा सा स्लो मिला, लेकिन फिर भी कोशिश कर दे कि चीज जाए। टायर चौका लगा और अब शारजाह स्टेडियम के दरवाजे बंद करने चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से बाहर न जाए। बाहर नहीं करना चाहिए इन पर। एक बार इस्लामाबाद से भागे थे वो लोग। डॉक्टर हम भी इधर बैठे नहीं भागने देंगे इस बार। अच्छा उस मैच में टी वाज फैंटास्टिक, ज्यादा पॉपुलर सेंटेंस था। यहाँ पर फ्रॉडी और शेम और फ्रॉडी के यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अक्सर आपको नारे सुनने को आएंगे फ्रॉडी फ्रॉडी और शेम शेम के। बोर्ड को तो काफी इन्होंने तंग किया, फ्रॉडी फ्रॉडी कह के। हफीज आउट हुए, मलिक आए और रिजवान अभी तक ग्रीस में मौजूद है। इन फॉर्म बैट्समैन है, तो इंशाल्लाह मैच जितवाएंगे। बचाए लेकिन बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। अभी तो हमने रिजवान का जिक्र किया और चला गया। बस ये गेम है, अच्छी बिटिंग की अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी और का जिक्र दोबारा नहीं करना। एक चक्के से पूरा स्टेडियम जाग उठा। न्यूजीलैंड को शारजाह में भागने नहीं देंगे।